लद्दाख में गतिरोध खत्म करने के लिए चीन भारत में आज होगी बातचीत। दोनों देशों के सैन्य अफसर सुबह 9 बजे करेंगे बात। चुशुल के पास मोल्डो में दोनों देशों के अफसर करेंगे बात। विवादित जगह से 20 किलोमीटर दूर है मोल्डो। भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी करेंगे। चीन की तरफ से भी चीनी सेना के कमांडर बैठक में हिस्सा लेंगे। पूर्वी लद्दाख के प्योंगचो, गलवान घाटी और डेमचोक में 1 महीने से बना हुआ तनाव, भारत तनाव कम करने के लिए रख सकता है ठोस प्रस्ताव। चीनी सेना के 2 किलोमीटर पीछे हटने से गलवान में तनाव कम हुआ है, जबकि प्योंगचो में सबसे ज्यादा तनाव है। थप्पड़कांड में टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज, FIR में उनके साथियों के भी नाम। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की शिकायत पर मार्केट सचिव सुल्तान सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज, मामले की जांच शुरू। चप्पल और थप्पड़ कांड के बाद कांग्रेस ने खट्टर सरकार को बताया था अहंकारी, सीएम खट्टर ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी के अधिकारी को चप्पलों से पीटा था, वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद। चप्पल कांड पर सवालों के घेरे में पुलिस अधिकारी के पिटाई के वक्त मौके पर मौजूद पुलिस बनी थी मूक दर्शक। देश में फुल स्पीड में कोरोना, 24 घंटे में देश में करीब 10,000 नए मामले, 2,26,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में 273 लोगों की गई जान, अब तक 6,348 लोगों की वायरस से हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 2,436 नए मामले, एक दिन में 139 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना केस 80,000 के पार पहुंचे, अब तक 2,849 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना का कोहराम जारी, मरीजों की संख्या 46,000 के पार, अब तक 1,500 से ज्यादा मौतें दर्ज। धार्मिक स्थल खोलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस जारी, घंटी बजाने और प्रसाद बांटने पर होगी मनाही। मंदिर में प्रवेश से पहले 40 से 60 तक साबुन के से हाथ धोना अनिवार्य, मूर्ति को छूने की अनुमति भी नहीं। ग्रेटर नोएडा की बल्क यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल को L1 हॉस्पिटल की तरह किया जाएगा इस्तेमाल, कोरोना मरीजों के लिए 1,000 बेड की सुविधा होगी। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बनाया गया 200 बेड का कोरोना अस्पताल, मरीजों की भर्ती शुरू। इंदौर में कोरोना के मामले 3,700 के पार पहुंचे, अब तक 153 मरीजों ने दम तोड़। दिल्ली में 24 घंटे में 1,330 नए मामले, 25 की मौत, कुल मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार, अब तक वायरस ने ली 708 लोगों की जान। कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली वालों के घरों में केजरीवाल सरकार पहुंचाएगी फ्री औषधीय पौधे, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया ऐलान। मॉडल सीट करने को लेकर 7.5 लाख लोगों ने दिल्ली सरकार को भेजा सुझाव, सबसे अधिक व्हाट्सएप पर भेजे गए सुझाव। साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा ने GM को चिट्ठी लिखी, वैशाली कोड़ा की 10 लाख आबादी को पूर्णतः सील करने पर उठाए सवाल। दिल्ली विधानसभा में काम करने वाले 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, स्पीकर रामनिवास गोयल सहित 25 कर्मचारियों का हुआ टेस्ट, 22 की रिपोर्ट नेगेटिव। तमिलनाडु में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण, एक दिन में 1,384 नए मामले, अब तक मरीजों की संख्या 27,250 के पार। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 484 नए मामले, मरीजों की संख्या 18,500 के पार, 1,155 की मौत। यूपी में 24 घंटे में 508 नए केस दर्ज, कुल मरीज 9,230 के पार, अब तक 245 की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना मामलों में तेजी से हो रहा है उछाल, मरीजों की संख्या 6,800 के पार, अब तक 355 की मौत। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 327 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 3,280 के पार, अब तक 24 की मौत। हुगली में बीजेपी और TMC कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, घायलों से मिलने जा रही बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी को रोका गया। झाबुआ में 140 फीट ऊंची हाई टेंशन लाइन पर चढ़ा 13 साल का बच्चा, मोबाइल नहीं मिलने से था नाराज। बिहार के शिवहर में अंधविश्वास के इंतहा, गांव से लेकर शहरों तक में कोरोना माई की पूजा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रवासी श्रमिकों के परिवार को 1 लाख का चेक भेजा। मुंबई से आते वक्त श्रमिक ट्रेन से गिरकर हुई थी मजदूर की मौत। मणिपुर में एक कस्टम अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार, घूस लेते वक्त पकड़ा गया। गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर उठापटक जारी, 2 दिन में कांग्रेस के 3 विधायक दे चुके हैं इस्तीफा। निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी बीजेपी पर लगाया आरोप, कांग्रेस को भी दी आत्मचिंतन करने की नसीहत। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया से खफा बीजेपी नेता बालेंद्र शुक्ला ने थामा कांग्रेस का हाथ, भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता।
मध्य प्रदेश के अनूपपुर बाइक में आग लगने से दो युवकों की जलकर मौत, मदद करने के बजाय लोग वीडियो बनाते रहे। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम की अपील, 8 जून से धार्मिक स्थल खुलने के बाद कस वजू करके और मास्क लगाकर नमाज पढ़ने आए लोग। झारखंड में मनरेगा के तहत 6 लाख प्रवासी मजदूरों को दिया गया रोजगार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अफसरों को सख्त निर्देश, भूख से किसी की मौत न हो। कड़े निर्देश दिए गए हैं, बिल्कुल इस मिशन में कोई कोताही मत। सहरसा के क्वारंटीन सेंटर में बुजुर्ग दंपत्ति की धूमधाम से मनाई गई शादी की 50वीं सालगिरह, प्रशासन ने केक मंगाया और बलून से सेंटर को सजाया गया। कानपुर में कोरोना का तेज हमला, 24 घंटे में 57 मामले, अब तक 495 संक्रमित। सतना में प्रशासन की लापरवाही से 10,000 क्विंटल गेहूं बर्बाद, भारी बारिश से कीचड़ में सना गेहूं। केरल में गर्भवती हथिनी की मौत से गोरखपुर के सांसद रवि किशन दुखी, बोले धरती फट जाए और सभी की मौत हो जाए। गलती हो गई तो धरती के संहार ला, महादेव से मांगी जाए, लेकिन मनुष्य दरिंदा बनता रहेगा, सुधरेगा नहीं तो का करेगा, एक ही टाइम में भ्रष्ट हो जाए सर। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर को जान से मारने की धमकी, पाकिस्तानी नंबर से आया फोन। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया, साइबर सेल को सौंपा मामला। बागपत में प्रेमी से शादी करने के लिए एक लड़की ने मां बाप पर लगाए बेहुदे आरोप, बेटी का सौदा करने के आरोप वाला वीडियो किया वायरल। गरीबों पर मेहरबान पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार, इसी हफ्ते 141 परिवारों के खातों में 15,000 रुपए भेजेंगे। तरन तारण पुलिस ने 59 करोड़ की जायदाद जब्त की, 58 नशा तस्करों की भी संपत्ति। रतलाम में 4 बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर दो गुटों में तलवार और लाठियां चली, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। हावड़ा में कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में तोड़ा दम। अमरोहा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस को आत्महत्या करने की आशंका। यूपी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए आज से सेवा सत्याग्रह शुरू करेगी, 25 लाख लोगों को खिलाएगी खाना। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फिर साधा निशाना, कहा तूफान की तबाही से हम कर रहे हैं मदद, लेकिन एक पार्टी हमें सत्ता से हटाने की कर रही है कोशिश। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले में ड्रम में छुपा कर रखा बम बारूद, टीएमसी ने बीजेपी पर बम छुपाने का आरोप लगाया। शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में पौधरोपण किया, पर्यावरण को शुद्ध करने का लिया संकल्प। सिरसा में भ्रूण की लिंग जांच करने के आरोप में 2 डॉक्टर गिरफ्तार, 42,000 में करते थे जांच। अकोला में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर और उनकी पत्नी की दर्दनाक हत्या, किरायेदार महिला ने भाई के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद आरोपी किरायेदार महिला ने गहने और 5,78,000 की नकदी चोरी की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर बुजुर्गों को लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की बाइक से करते थे वारदात। होशियारपुर में घर में घुसकर 20 हमलावरों ने धारदार हथियार से किया हमला, युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। झांसी में पुलिस वालों को ट्रांसपेरेंट पीपी किट बांटी गई, कोरोना संक्रमण और बारिश से होगा बचाव। प्रयागराज जिले के भूरपुर में कार से किसानों की सब्जियां कुचलने वाले एसआई सुमित आनंद सस्पेंड, साप्ताहिक मंडी का वीडियो वायरल हुआ था। सीएम योगी ने भी लिया घटना का संज्ञान, निलंबित दरोगा के खिलाफ जांच शुरू। आजमगढ़ में फर्जी डॉक्टर दंपत्ति गिरफ्तार, फर्जी डिग्री के जरिए चला रहे थे अस्पताल। असम के नौगांव में 51 साल के शख्स की पीट पीट कर हत्या, 2 आरोपी पुलिस वाले गिरफ्तार। फरीदकोट में इनोवा कार और बाइक में टक्कर, 2 युवकों की मौत। राजस्थान के जोधपुर में मास्क नहीं पहनने पर एक शख्स को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, घुटनों से युवक को गर्दन दबाने का वीडियो वायरल। मुंबई में एक रेस्टोरेंट के पास नाले से 2 शव बरामद, अभी तक नहीं हो पाई है कोई शिनाख्त। चंदौली में पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से 8 साल की मासूम को छुड़ाया, 3 आरोपी गिरफ्तार। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, करीब 3.5 करोड़ की ब्राउन शुगर पकड़ी गई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बस मालिक की अनोखी पहल, 2 सीटों के बीच में लगाया प्लास्टिक, यात्रियों को संक्रमण से बचाने की है कोशिश। छपरा के क्वारंटीन सेंटर में महिलाओं को आम के पेड़ और मेडिकल किट देकर किया गया विदा, क्वारंटीन टाइम हुआ पूरा। पटना के एनएमसीएच मेडिकल कॉलेज में फिर घुसा बारिश का पानी, प्रशासन की नाकामी से मरीजों और डॉक्टरों की बढ़ी परेशानी।
बिहार में कोरोना के लिए एकमात्र घोषित अस्पताल है नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मेम्स लगाकर निकाला गया पानी। जैसलमेर में लोक कलाकारों के सामने भूखे मरने की नौबत आई, होटल पर्यटन स्थल बंद होने के बाद बड़ी मुसीबत। संगीतकार सलीम सुलेमान का फाउंडेशन बना मददगार। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारी में जोर शोर से जुटा प्रशासन, पैदल मार्ग पर एक मीटर की दूरी पर बनाए गए गोले। हावड़ा में बिजली सप्लाई के लिए लोगों का विरोध प्रदर्शन, घंटों तक सड़क पर लगाया गया जाम। बिहार के पेपर मेसी कलाकार शरद कुमार ने तैयार किया केले के रेशे से ऑर्गेनिक मास्क, 6 से 8 रुपए होगी लागत। जम्मू में अमरनाथ दफ्तर में हुई बाबा बर्फानी की पहली पूजा, 15 जुलाई से शुरू हो सकती है यात्रा। पुरी में भगवान जगन्नाथ ने किया पूर्णिमा स्नान, लेकिन पाबंदियों के चलते कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को नहीं मिले दर्शन। टाटा स्काई बदलेगा चैनलों का पैकेज, ग्राहकों को 60 से 100 रुपए तक होगी हर महीने बचत। दरभंगा में जोरदार बारिश से डीएमसीएच अस्पताल बना चापू, इमरजेंसी और ओटी में भी भरा पानी। पुंछ में बादल फटने से तबाही, कई घरों को नुकसान, कई गाड़ियां सैलाब में बही। मंडी में भी मूसलाधार बारिश से बड़ी परेशानी, कई जगह सड़क कटी, लोग परेशान। सोलन में हुई ऐसी बारिश कि सब्जी बेचने वाला जान बचाकर भागा, पारा गिरने से जून में दिसंबर जैसी ठंड। ऊधम सिंह नगर में गुलदार के खौफ से दहशत में लोग, कैमरे में कैद खतरनाक शिकारी की तस्वीर। नस्लभेद के खिलाफ वियना में जोरदार प्रदर्शन, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका के मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट ने शिकागो में किया विरोध प्रदर्शन, जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी के लिए कॉलेज फंड दिया। वॉशिंगटन में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सेना की तैनाती, कई शहरों में नेशनल गार्ड्स ने संभाला मोर्चा। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर अमेरिका के आयोवा में जबरदस्त कोहराम, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। सोमवार से न्यूयॉर्क में लॉकडाउन में मिलेगी झील, 32,000 कंस्ट्रक्शन साइट पर शुरू होगा काम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छोटी बेटी टिफनी ने किया विरोध प्रदर्शन का समर्थन, जॉर्ज फ्लॉयड के लिए इंसाफ की मांग। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त ने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पर जताई चिंता, कहा अमेरिका में सुनी जानी चाहिए विरोध प्रदर्शनों की आवाज। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो की अजीब टिप्पणी, प्रदर्शनकारियों के लिए टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। स्पेन के बार्सिलोना में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड को दी श्रद्धांजलि। कोरोना संकट के बीच वियतनाम में फुटबॉल लीग शुरू, स्टेडियम में बड़ी संख्या में मैच का आनंद लेने पहुंचे दर्शक।